हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? आई थिंक आप सब लोगों ने कल बहुत अच्छे से मेडिटेशन किया होगा फुल मून का, और सब लोगों को आज हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। तो हनुमान जयंती में आज आप लोगों को सबको हनुमान चालीसा कंपलसरी बजाओ घर में, जिनको भी निगेटिविटी फील होती है धम धमा के भाग जाएंगी, है ना। और आज मंगलवार भी है, और आपको सबको पता है कि हमारे हनुमान भगवान का जन्म भी मंगलवार के दिन ही होता है। मंगल को जन्मे, मंगल को जन्मे, ये गाना मुझे बचपन का याद आ रहा है, इतना प्यारा सा गाना था वो। और हनुमान चालीसा ज़रूर बजाइए आज, हो सके। आप सब लोगों के लॉकडाउन है, आई नो कि बहुत सारी जगह पे लॉकडाउन है, मंदिर में नहीं जा सकेंगे शायद आप लोग, तो कोई नहीं, अगर जा सकते तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर जाना और दर्शन ज़रूर कर लेना। ठीक है, जाओगे तो अच्छे से प्रदक्षिणा वगैरह करना, जो भी दिया बत्ती जो भी करना चाहते हो उस प्रकार से, जैसे कि एक रिचुअल हम कर सकते हैं। ठीक है, वो हम बहुत सारे रिचुअल है वैसे तो कर सकते हैं आप लोग। और आज भी फुल मून जैसा ही प्रकाश रहेगा बहुत, तो आज भी आप बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि किसी किसी को अगर फुल मून में न्यू मून में अभी भी इनबैलेंस फील होता है, क्या कौन है वो? तो इसमें यह है कि अभी इनवर्क बहुत करना बाकी है। ठीक है, इनवर्क करने के बाद में ये फुल मून न्यू मून और खुशियाँ बढ़ाती है। ठीक है, कोई नहीं, तो कभी कभी ट्रिगर हो जाते हो, यदि आपके टीएम से बात भी होती है और कभी कभी आप ट्रिगर हो जाते हो फुल मून न्यू मून में, तो कोई नहीं, क्योंकि ये चीज़ें है कि आपके अंदर की वो जो थी चीज़ है आपको खुद को नहीं पता होती कि ये मुझ में इशू है, और वो सरफेस पे आती है, और सरफेस पे आई तो अच्छी बात है, उसको कितनी जल्दी समझ के आप उसको एक्सेप्ट करते हो, ये इम्पोर्टेंट है। फिर एक्सेप्ट करने के बाद ही फिर उसको आप रिलीज़ कर पाओगे, पहले तो ये कमी है मुझ में करके आपको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, तो वो एक्सेप्टेशन तो चाहिए ही हमें, हर इंसान में। ठीक है, तो ये करना सीखो, एक्सेप्ट करना सीखो, स्वीकार करना सीखो, और कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने किसी से भी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस रखते तभी हमें प्रॉब्लम होती है ना, ये प्रॉब्लम मतलब ये दुख होता है, हर्ट होता है। तो एक्सपेक्टेशंस किसी से भी ना डीएम से रखना ना किसी से, जो हो रहा है जो फ्लो में चल रहे हो चलो। और हाँ, आप लोगों को बहुत ही प्यारा सा एक अभी ऑडियो सुनाने जा रही हूँ, बहुत ही प्यारा सा, पूरा पूरा ऑडियो सुनना और क्या लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, ज़रूर लिखना। अगर आप प्योर डिवाइन सोल हो तो इस डिवाइन फेमिनिन को भी बहुत अच्छे से ब्लेसिंग देना कि कितना अच्छा अनुभव है, जरूर सुनना पूरा पूरा वीडियो। ठीक है मैम, पहले से बोलती हूँ, पहले जब आपने फुल मून के वो रोशनी को लेकर नेगेटिविटी क्लियर करने को बोला, तब मैंने मुझको महसूस हुआ कि एक काले प्लास्टिक में मैं घिरी हुई थी, और जब चांद की रोशनी आई वो काला प्लास्टिक मूलबंध से वो मूलाधार से खुलकर प्लास्टिक उतर रही थी मेरे ऊपर से, फिर बाल मेरा खुल गया और वो रोशनी जैसे वो काला प्लास्टिक खींच कर ले गई और पूरा मेरा बाल खुल गया। फिर आपने जब बोला कि डीएम के बारे में सोचो या डीएम को महसूस करो, तब मुझे लगा कि मैं अर्धनारीश्वर हूँ और मेरे अंदर ही मेरे डीएम हैं और हमारा एक ही हार्ट चक्रा है और हम एक नेचर में प्रवेश किया, सब वाइल्ड एनिमल फिर से आ रहे थे हमारे पैर के सामने बैठ रहे थे, हम सहला रहे थे और देखा कि, और जब एक नदी के किनारे गई तो तब देखा कि आकाश में पूरा शिव पार्वती जी लक्ष्मी नारायण सभी थे और सब एंजल्स थे और सब हमारे ऊपर फूल बरसा रहे थे और फूल का पंखुड़िया इतना नेचुरल था मैम, आपको क्या बोलूँ, वो पंखुड़िया जैसे गिर गिर कर हमारे ऊपर से गिर रहे थे और फिर देखा ऊपर से एक वरमाला आई और मेरे गले में गिर गया, मेरे और मेरे डीएम अर्धनारीश्वर थे हमारे गले में गिर गया और मेरे अंदर से मेरे डीएम निकलकर मेरे सामने आए, उनके गले में मरवाला था और वो मुझको सिंदूर लगा दिया फिर से, ये मैं सोच नहीं रही थी, ये खुद से ही आ रहा था
और फूल बरसा रहे थे सभी देवी देवताएं। और फिर उसके बाद हम लोग वो सीढ़ी से जाकर हमारे पंख निकल आए रेड कलर के, और फिर हम स्वर्ग में गए। वहाँ सब 33 करोड़ देव देवी थे, और एक आवाज़ आई कि आओ पधारो, हम आपके ही इंतज़ार में थे। और फिर मैं एक अप्सरा बन गई, अप्सरा की ड्रेस में आ गई, और मेरे डीएम पूरा उनका क्राउन, एक उनका एटर पूरा राजा के जैसे था, और गोल्डन ब्राइट कलर का था। फिर देखा कि एक अग्निकुंड है, हम दोनों बैठे हुए हैं, उनके हाथ में मेरा हाथ है, और हम दोनों मेडिटेशन कर रहे हैं। इतना अच्छा हमारा मेरा आज का एक्सपीरियंस था मैम। 3 दिन मैंने मेडिटेशन नहीं किया आज, बहुत ही सुंदर था। और वो पंखुड़िया इतना नेचुरल था कि मैम मुझे लग रहा था कि वो पंखुड़िया मेरे स्किन से गिर गिर कर पड़ रहे हैं। और सभी देवी देवता बहुत ही खुश लग रहे थे, मैं मेरे टीम भी बहुत ही खुश थे, और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था आज का।